तीन हिस्से होते हैं, ALU, CU और मेमोरी। ALU माने सबसे पहले ये कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और तीसरा हिस्सा होता है मेमोरी यूनिट, MU हम लोग देखते हैं। ये CPU है पूरा, CPU। इसमें जब हम डाटा देते हैं CPU को, जब हम डाटा देंगे तभी वो प्रोसेस करेगा। तो जिस भी डिवाइस से हम डाटा दें वो कहलाएगी इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस CPU को डाटा देती है, उसके बाद CPU उस पर प्रोसेस करता है, अपनी मेमोरी में सेव करता है, और फिर उसको डाटा को उसका रिजल्ट निकाल के हमें आउटपुट डिवाइस पे शो करेगा, आउटपुट डिवाइस। देखिए आउटपुट डिवाइस पे वो शो करेगा, और ये डली कनेक्टेड होती हैं सब अंदर से। ये इनपुट डिवाइस में कई चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, कैमरा हो गया, और इसके अलावा इसमें OCR होता है, ऑप्टिकल कलेक्टर रीडर, MCR होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये कुछ मेन डिवाइस हैं इनपुट। ऐसे ही आउटपुट डिवाइस में जो सबसे मेन होती है वो होता है मॉनिटर। मॉनिटर के अलावा प्रिंटर होता है, इसके अलावा एक प्लॉटर होता है। प्लॉटर क्या होता है, एक तरह से बड़ा प्रिंटर होता है, इसमें बहुत बड़े साइज का पेपर लगा सकते हैं हम, और उसमें जैसे बड़े बड़े कहीं के मानचित्र हों, किसी बड़ी कॉलोनी की प्लॉटिंग होनी हो, कोई बड़ा मैप छपना हो पूरे शहर का, तो उसमें इस तरह की डिवाइस का उपयोग किया जाता है प्लॉटर में। इसके अलावा स्पीकर, इस तरह की ये डिवाइसें आउटपुट डिवाइसें कहलाती हैं। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे पढ़ें।